बताऊं कम ही कम है। उन्होंने मेरे बेटे को इतना मोटिवेट किया कि वह आज नशा तो बहुत दूर अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। हेलो, माय नेम इज अंशुमन और मैं मोहम्मदपुर देहरादून में रहता हूँ और मैं 11 साल मेरी फ्रेंडली ड्रग्स की मल्टी यूजिंग का एडिक्ट था। मैं 11 साल से यूजिंग कर रहा था और मैंने डॉक्टर तपस्या मैडम के अंदर ट्रीटमेंट लिया और हाय, मेरा नाम अभय है। मैं 42 साल वाला हाथी देहरादून में रहता हूँ। मैं 4 to 5 ईयर्स रेगुलर स्मैक का डेट था लेकिन मैंने ट्रीटमेंट डॉक्टर तपस्या राज लक्ष्मी शाह के अंदर काटा है इन मैं दिद्रेश हॉस्पिटल एंड शी हैज बीन ऑलवेज। और सिर्फ और डॉक्टर तपस्या द्वारा विदेशी मरीजों का भी इलाज करके उनको भी नया जीवन प्रदान किया गया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई नशे का आदि है तो जिंदगी में खत्म नहीं हो जाती है और उसको नई राह मिल सकती है। और अब मैं डॉक्टर तपस्या राज लक्ष्मी से आग्रह करूंगा कि वो आके अपने अनुभव और विचार न प्रकट करें। जय हिंद, जय उत्तर। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कृष्णा एवं सोसाइटी के समस्त वरिष्ठ डॉक्टर एवं अधिकारी एवं सभी उपस्थित सज्जनों, मैं डॉक्टर तपस्या राजलक्ष्मी शाह न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सब लोगों का इस महत्वपूर्ण आयोजन में अभिवादन करती हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पारिवारिक जीवन अथवा पेशे में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे अपने सामने निराशा दिखाई देती है। कुछ लोग उस स्थिति से अपने आप को खुद ही निकाल लेते हैं परंतु कुछ लोग को सहारे की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसी अवस्था भी आता है जब उसे सही सलाह नहीं मिलती एवं वो तनाव की स्थिति से निकालने के लिए किसी न किसी प्रकार की नशे का सेवन करने लगते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, युवाओं में नशा पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। नशे का प्रयोग व्यक्ति के तनाव को कम न करके उसे नशे का आदि बना देता है एवं वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इसके बाद वो आदमी कोई गुनाह कर बैठता है। गुनहगार साबित होने पर उसे समाज की उपेक्षा मिलती है एवं कानून की मार उसे और अधिक गुनहगार बना देती है। इस तरह एक सीधा साधा आदमी नशे की लत के साथ साथ एक अपराधी बन जाता है। यदि हम कोशिश करें तो अधिकांश व्यक्तियों को इस नशे की से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को नशे की लत से बाहर निकाला है। मैं समझती हूँ उनकी भी फीलिंग्स होती है। हम सबको पता है जब मरीज नशा करते हैं वो मेंटली फिजिकली इमोशनली बहुत वीक होते हैं। इसलिए मैं एक डॉक्टर के रूप में उन मरीजों को योगा मेडिटेशन दवाइयाँ काउंसलिंग पॉजिटिव थॉट्स और सेल्फ डिफेंडर बनाने के लिए मोटिवेट करती हूँ। पिछले 3 वर्ष में मेरे पास 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए आए। वो कमजोर मरीज इलाज के लिए आते हैं और वो जब स्ट्रॉन्ग होकर घर जाते हैं तो घर वालों को बहुत खुशी मिलती है। वो अपने पढ़ाई में और पेशे में लग जाते हैं, उनका पूरा परिवार संभल जाता है। वो व्यक्ति खुद ही सब कुछ करता है, मैं तो उनको जस्ट विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजती हूँ। जो मरीज ठीक हो गए हैं वो व्यावसायिक रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने करियर भी बना लिया है। इससे हमें भी नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता के लिए प्रेरणा मिलती है। हमने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना सोसाइटी हॉस्पिटल झाझरा में की है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट से नशे को छोड़ा और छुड़ाया जा सकता है।
माता पिता परिवार को भी अपने बच्चों पर खास नजर रखना चाहिए। समय पर इलाज के साथ साथ परिवार को सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत परिवार को भी है। वो लोग समझ सकते नहीं है कि कभी कभार वो लोग फीलिंग्स नहीं समझ पाते अपने बच्चों को, तो परिवार की काउंसलिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। परिवार की मदद से एक मरीज को नशे की गिरफ्त से निकाला जा सकता है। मुझे इस सुधार गृह में अपनी सेवाएं देने का जो अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अधिकारीगण द्वारा दिया गया है, उनके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। मुझे पूरी आशा है कि मुझे अपने काम में सफलता मिलेगी। मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबको साधुवाद देती हूँ। जय हिंद। डॉक्टर प्रशांत भटनागर जी और डॉक्टर तपस्या राजलक्ष्मी साहब, निश्चित तौर पर आज जो शुरुआत हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ग्रेड एडिशन के रिजल्ट काफ़ी हैं और सौहार्दी और जेल प्रशासन मिलकर हम आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम देंगे और अच्छे परिणाम देंगे। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव गृह मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि कृपया आप लोग विचार व्यक्त करें। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधायक जी, चेयरमैन सुभारती हॉस्पिटल, डॉक्टर तपस्या, विभिन्न अंतर सिंह महानिदेशक आवर और आप लोगों की सभी टीम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ये समय दिया, मैं बस अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सर, जो आपने लक्ष्य दिया है 2025 तक ग्रामीण देवभूमि का, उसके लिए होम डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग निरंतर इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, सभी विभागों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी अपनी तरह से हर विभाग इस यज्ञ में अपनी आहुति दे और सब लोग मिलकर पूरे समाज को एक जागरूक करके हम लोग आपके इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सुभारती हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर तपस्या को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। और एक्चुअली डॉक्टर तपस्या ने मीडिया में देखा कि आपने ये टारगेट किया, तो फिर हमसे संपर्क किया करेंगे, हम काम करना चाहते हैं, आप लोग बताइए। तो हम लोगों ने कहा कि जेल की शुरुआत कर दी, क्योंकि जेल जो है ये होम डिपार्टमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। और जैसा कि आपकी समीक्षा में भी आया था कि जेल में बहुत सारे बच्चे इसलिए बंद हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेते हुए जाते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा अभी डॉक्टर तपस्या ने कहा कि आप लोगों की तरह जेल में नहीं है ये, इसको एक सुधार गृह के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं जेल को, और यहाँ से सुधार करके आप लोग ड्रग की जो बुरी आदत लगी है इसको भगा के वापस अपने जीवन में ला सकते हैं और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छे मनुष्य बनके दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से सर ये कार्यशाला का यहाँ शुरुआत की गई है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा चाहती हूँ, मैं तो बहुत बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, आपने खुद भी इतना समय निकाला, मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा कृपया वो अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस नशा मुक्त प्रदेश के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने अपर मुख्य सचिव गृह सदस्य श्रीमती राधा रतूड़ी जी, विशेष सचिव गृह, अपने महानिरीक्षक कारागार और जिनके तत्वाधान में यहाँ पर इस अभियान को कारागार से
शुरुआत अपने शुभ भारती के चेयरमैन सरदे डॉक्टर श्री अतुल कृष्ण जी, शुभ भारती मेडिकल कॉलेज से अपने डॉक्टर जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, डॉक्टर तपस्या जी और यहाँ पर उपस्थित सभी, मैं देख रहा हूँ शुभ भारती मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स मैनेजमेंट और अपने प्रदेश के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई नवीन ठाकुर जी और सभी सम्मानित बधु, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका संकल्प भी है और मैं आपका आभार भी करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने भी इसको संकल्प एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में आपने एक आह्वान किया है कि 2025 तक अपना प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बनेगा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपका निवेदन करना चाहता हूँ। और उसी रूप में आज इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी कि आपकी प्राथमिकता है कि हमारे युवा किस प्रकार से नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, हमारा प्रदेश किस प्रकार नशा मुक्त प्रदेश बने, अपने विजय स्तंभ कार्यक्रम में से आपने यहाँ पर जो अपना समय दिया है उसके लिए भी आपका अभिनंदन और स्वागत है। और वास्तव में डॉक्टर तपस्या ने कहा मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें इसमें अच्छे काम करने चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारा जो युवा है आज इस नशे की लत में पड़ता जा रहा है, अपना जीवन भी खराब कर रहा है, समाज का भविष्य भी खराब कर रहा है और अपने परिवार का भविष्य भी खराब कर रहा है। हम तो नशा करते हैं लेकिन हम देखें हमारे माता पिता हमारे भाई बहन कितने परेशान रहते हैं, जिन्होंने पैदा किया है बचपन में माता ने 9 महीने तक अपने घर में रखा है और उसके बाद पहले बच्चे को पैदा करके आस लगाई है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर समाज की सेवा करेगा माता पिता की सेवा करेगा, लेकिन जब वो नशे की लत में पड़ता है तो माता पिता की रातों की नींद उड़ जाती है, रातों को चैन नहीं है और जो नशा करते हैं अपना भविष्य समाप्त करते हैं, वो जीवन ज्यादा दिन का नहीं रहता है और स्थिति में अपने कारागार प्रशासन का भी और शुभ भारती मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अतुल जी का भी सभी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं, एक अच्छे काम की शुरुआत आपने की है और हम सब लोग आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब सरकार साथ में सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, लेकिन हम सब लोग साथ में जहां पर भी जहां मेरी आवश्यकता होगी हम सब लोग साथ में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 2025 तक हमारा प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बने, ये हम लोग सब चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग साथ में अभी और भी कार्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। धन्यवाद माननीय प्रधान जी, आपने जो दिशा निर्देश दिए उसकी तौर पर हम लोग करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में इस जिले में एक ऐसा बंदी है जो पहले नशे का आदी था, फिर उसने नशा छोड़ा, फिर उसने अपना इलेक्शन सेंटर चलाया और आज वो हमारे जेल में एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। मैं चाहूंगा अगर आपका आदेश हो तो 2 मिनट वो अपना प्रभजीत प्रभजीत कृपया जल्दी से मंच पर आए। प्रभजीत माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि चाहे घर काम किया हो या किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या हमारे स्टेट के मुखिया बैठे हैं, मुखिया वही अच्छा होता है जो कमजोर कड़ी पे काम करे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये मौका दिया है और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जेल जैसी जगह पर भी इन्होंने एक ऐसा प्रयास मुमकिन करके दिखाया है और उनका कमजोर कड़ी पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि अगर कमजोर कड़ी मजबूत होगी तो देश हमारा बदला हुआ होगा। मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा, एडिक्शन इज अ मेंटल डिसीज, ये एक ऐसी बीमारी है जो सोच विचार और व्यवहारों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो कोरे कागज की तरह पैदा होता है और स्कूल पेरेंट्स के द्वारा ही उसको एजुकेशन दी जाती है, मगर संगत
उसको री एजुकेट कर देती है इन अ रॉन्गली डायरेक्शन। तो मैं यही बात कहूंगा, जब तक हम मिलजुल के ग्राउंड लेवल पर फीलिंग ऑफ सिंपथी नहीं रखनी हमें, हमें फीलिंग ऑफ एम्पथी रखनी है, समानुभूति कि वो क्यों नशा कर रहा है, कौन सी वो प्रॉब्लम है, क्या वो वजह है, वो ढूंढनी पड़ेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है। मैंने खुद एक माँ को रोते हुए देखा है, गहने बेचते हुए देखा है, प्रॉपर्टियां बेचते हुए देखा है, क्योंकि उसके बच्चे ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, जिसमें से मेरी माँ भी एक थी। मैंने अपनी माँ को नशे के दौरान, एक मेरे ऐसा विचार आया कि मैं आज अपनी माँ को गोली मार दूंगा ताकि बची हुई प्रॉपर्टी से मैं नशा कर सकूं। बट थैंक्स टू द गॉड कि स्टिल मैं आगे बढ़ा। 14 साल का मेरा एडिक्शन करियर है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने दुनिया में, चोरी से लेके हर गलत काम किया। पिछले 6 सालों में ईश्वर ने मुझे एक मार्गदर्शन दिया, मैंने